वेलकम टू डिक्के वीडियोस। तो बच्चे आज अपन करेंगे हिस्ट्री के, आपका फर्स्ट चैप्टर है एन इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, तो उसके क्वेश्चन आंसर। तो अगर आपने ये पार्ट रीड नहीं करा है, पार्ट को नहीं समझा है, तो पहले आप पार्ट को समझिएगा, तो क्वेश्चन आंसर करने में आपको और भी अच्छी हेल्प मिलेगी। तो पार्ट का लिंक ऊपर आपको आ रहा होगा, वरना आप मेरी प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। अब देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस हैज बीन रिटन बाय, मुद्रा राक्षस जो है वो बुक किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका राइट आंसर होगा ए, विशाख दत्ता। सेकेंड क्वेश्चन इसमें, वो आर टू ग्रेट टिपिकर, अपने जो दो महाकाव्य है वो कौन कौन से है। इसका आंसर बी होगा राइट, महाभारत एंड रामायण, महाभारत एंड रामायण। थर्ड क्वेश्चन इसमें, कालिदास रोट, कालिदास ने कौन सी बुक लिखी। सी मेघदूता, तो मेघदूता, मेघदूता ये आंसर राइट है इसका सी। फोर्थ क्वेश्चन है अंकुरवाट टेम्पल इज इन, अंकुरवाट का टेम्पल कहाँ पर है। ए आंसर होगा इसका कंबोडिया। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स इसमें, फर्स्ट है इसमें त्रिपिटक आर द रिलीजियस बुक ऑफ द, जो त्रिपिटक है वो कौन से धर्म वालों की रिलीजियस बुक है। तो इसका आंसर होगा बुद्धिस्ट। सेकेंड, डैश वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियन, इनमें से कौन एक महान संगीतज्ञ था। तो समुद्र गुप्ता। थर्ड, तक्षशिला हैज ए यल्डेड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट, तक्षशिला में किसकी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। तो कनिष्क या हर्ष, तो इसमें होगा कनिष्क। फायन वॉज ए ट्रेवलर, जो फयान था वो ट्रेवलर था, कहाँ का था, चाइनीज। अब देखते हैं अपन सी, डिफाइन द फॉलोइंग। इसमें देखिए यहाँ पर चार आपके फाइव डिफाइन करने के लिए दिया है। पहले है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ये क्या होता है। तो द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज लाइक इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स एंड आर्ट क्राफ्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, यानी कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहलाते हैं जो, यानी सिक्के होते हैं, कोई मूवमेंट्स होते हैं, अफेक्ट्स होते हैं, इंस्क्रिप्शन होते हैं, ऐसी जो पुरानी चीज़ें जो जमीन से निकली हुई होती है उनको अपन कहते हैं। सेकेंड, मोन्यूमेंट्स, द रंस ऑफ ए ओल्ड बिल्डिंग, टेम्पल, प्लेसेस, स्टब्स, केव्स, ओल्ड टाउन, एस्ट्रा आर कॉल्ड मोन्यूमेंट्स। थर्ड है इसमें मैनुस्क्रिप्ट, मैनुस्क्रिप्ट क्या होती है, मैनुस्क्रिप्ट होती है कि जो हैंड राइटिंग अकाउंट ऑफ ए कॉन्ट्रेपेरी इवेंट्स दैट हेल्प अस इन नाउइंग अवर पास्ट आर कॉल्ड मैनुस्क्रिप्ट, यानी कि जो हाथ से लिखे हुए पहले के इवेंट के बारे में जानकारी होती है उसको कहते हैं। फोर्थ है इसमें इंस्क्रिप्शन, तो इसमें है राइटिंग से एंग्रेव्ड इन स्टोन, मेटल्स, रॉक्स, पिलर और कार्ड इंस्क्रिप्शन। और फिफ्थ है इसमें स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट क्या होती है, द फॉर्म इन विच इज ए लैंग्वेज इज ए रिटन आर कार्ड स्क्रिप्ट, यानी कि जिस तरीके से कोई भाषा लिखी जाती है उसको कहते हैं अपन स्क्रिप्ट, यानी कि लिपि। तो ये तो हुई इसकी डिफाइन, यानी कि इनको परिभाषित करने का। अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपका फोर्थ क्वेश्चन है, एनी नेम एनी टू फ्रॉम इच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से आपको दो के नाम बताने हैं। फर्स्ट है इसमें क्वेश्चन, लिटरेरी सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो इसमें कोई भी अपन दो बता सकते हैं। तो यहाँ दो के नाम अपन ले रहे हैं, अर्थशास्त्र एंड मुद्रा राक्षस। और अपन चाहे तो इसमें दूसरे भी लिख सकते, कुछ जरूरी नहीं है यही लिखे, लेकिन जो फेमस से उस समय की बुक थी ये दो थी वहां पर। सेकंड है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो सोर्सेज जो है आर्कियोलॉजिकल के बहुत सारे अपन को मिले थे, लेकिन अपन दो इसमें बताना है। तो एक अपन लेते हैं इसमें रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका एंड गुप्त कॉइंस। तो गुप्ता कॉइन्स भी बहुत सारी जानकारी देते हैं पहले के समय को
बारे में हमारे को, और जो अशोक का पिलर है उससे भी प्राचीन समय के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है, इसलिए इन दोनों का अधिक इम्पोर्टेंस है। थर्ड है रिलीजियस बुक ऑफ द बुद्धिस्ट, यानी कि जो बुद्ध धर्म वालों की दो धार्मिक पुस्तकों के नाम बताने थे, तो यहाँ बहुत सारी उनकी बुक्स है, लेकिन जो अधिक जानकारी जिनसे मिलती है उसमें एक तो त्रिपिटक एंड सेकंड है इसमें दीपवामसा, तो ये दो उनकी फेमस बुक थी। फोर्थ क्वेश्चन इसका है प्लेस वेयर इंसेंट पेंटिंग हैव बीन फाउंड, यानी कि जो प्राचीन काल के समय की जो हमारे को बहुत शानदार पेंटिंग मिली थी, बहुत सी जगह से मिली थी वैसे, लेकिन जो सबसे अधिक फेमस है उसमें वो है अजंता एंड एलोरा। तो अजंता और एलोरा में बहुत ही शानदार पेंटिंग मिली थी हमें प्राचीन काल के मानव की। चलिए अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 to 80 वर्ड्स इच। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई हिस्ट्री, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस, तो इतिहास क्या है और इसका महत्व क्या होता है। तो सबसे पहले हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री इज द लाइफ स्टोरी ऑफ मैन फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ द प्रेजेंट डे, यानी कि हिस्ट्री क्या है कि मनुष्य की एक कहानी है जो कि यानी कि प्राचीन समय से लेकर अभी तक के समय के बारे में हमारे को बताती है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट इन सो मैनी वेज, अब जो हिस्ट्री हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण रखती है उसके बारे में, फर्स्ट इट हेल्प अस टू नाउ ओवर पास्ट, यानी कि हमारे पहले के समय के बारे में जानकारी मिलती है। सेकेंड थ्रू इट्स स्टडी वी कम टू नाउ अबाउट किंग एंड स्टेटमेंट एज वेल एज ऑर्डनरी पीपुल हु हैव शेप्स एंड पेजेस ऑफ हिस्ट्री, यानी कि जो हिस्ट्री के अध्ययन से हमें राजाओं के शासन के बारे में तो मालूम पड़ता ही है कि उनका शासन कब था, इसके अलावा उस समय जो साधारण व्यक्ति थे उनके बारे में भी हमारे को जानकारी मिलती है। थर्ड इसमें है इट इनेबल्स अस टू गेन नॉलेज ऑफ द कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ मैंस कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यानी मानव विकास हुआ मानव सभ्यता और संस्कृति का उसके बारे में हमारे को पूरी जानकारी मिलती है। फोर्थ इसमें इट इज अ फ्रॉम द स्टडी ऑफ हिस्ट्री दैट वी कम टू नाउ द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट वी स्पीक टूडे, यानी कि अलग अलग भाषाएं अपन बोलते हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि ये कैसे विकसित हुई। एंड फिफ्थ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ अवर सोसाइटी, यानी कि जो हमारी सोसाइटी का नेचर है उसके बारे में जानने को मदद मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ वेदास, वेद का क्या इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें अपने फोर वेद होते हैं, तो द फोर वेदास आर इम्पोर्टेंट रिलीजियस बुक्स ऑफ इंडियन, यानी भारतीयों के लिए चार वेद है जो वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। दे डिस्क्राइब द लाइफ कल्चर रिलीजियस बिलीफ एंड पीपल ऑफ द पीरियड 1500 BC टू 600 BC, यानी कि ये लोगों के धार्मिक कल्चर के बारे में और वहाँ उस समय जो लोग रहते थे उनके जो विश्वास थे उनके बारे में ये हमारे को महत्वपूर्ण जानकारी देता है। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन है आपके, आगे बढ़ते हैं अपन, हाउ इम्पोर्टेंट आर ट्रेवल्स अकाउंट इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, जो ट्रेवल्स आए थे भारत में यात्रा करने के लिए उनके बारे में अपन हिस्ट्री का अध्ययन क्यों करते या उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखिए इसमें ए नंबर ऑफ फॉरेन ट्रेवल्स ग्रीक रोमन चाइनीज तिब्बतियन मुस्लिम विजिटेड द कंट्री फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड हैव लेफ्ट वैल्यूबल पॉलिटिकल एंड सोशल अकाउंट्स, यानी कि बहुत से लोग यहाँ पर अपने देश में आए थे अलग अलग कंट्रीज से जो यहाँ पर बहुत से समय रहे और यहाँ की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में उन्होंने लिखा। फॉर एग्जाम्पल हेरोडोटस इन हिज बुक हिस्ट्री सप्लाई मच इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पर्सो ग्रीक वॉर एंड द पॉलिटिकल कनेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया विथ पर्सिया इन द 5th सेंचुरी BC। मैगस्निस इन हिज बुक इंडिका थ्रो ए गुड डील ऑफ द लाइट ऑफ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी एंड ऑल्सो द ज्योग्राफी एंड प्रोडक्ट ऑफ इंडिया,
तो इस तरह से हमें इसमें जानकारी मिलती है उस समय के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते। तो अगला क्वेश्चन है इसमें, हाउ डू कॉइंस हेल्प अस द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो कॉइन्स का क्या महत्व होता है इंडियन हिस्ट्री जानने का। तो ए लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू एंशियंट टाइम हैव आल्सो बीन फाउंड। दे हेल्प अस इन फिक्सिंग द डेट्स ऑफ ए सेवरल डायनेसिटी। दे आल्सो हेल्प अस इन मेनी अदर वेज इन द स्टडी ऑफ इंडो बैक्टेरियन एंड इंडो ग्रीक पीरियड ऑफ इंडिया। कॉइन्स आल्सो टेल अस अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीरियड एंड द एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर ऑफ किंग कंसर्ट। यानी कि कॉइन से बहुत सी हमें पुराने समय की जानकारी मिलती है, कौन कौन से शासन हुए, उसमें कौन कौन से राजा हुए उनके बारे में मालूम पड़ता है, और उस समय यानी कि आपसी देशों में कैसा संबंध था उसके बारे में भी पता चलता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, कैन यू इमेजिन हाउ द लाइव ऑफ द किंग वेयर डिफरेंट फ्रॉम दोजो फार्मर। यानी कि किसानों का जीवन राजाओं के जीवन से अलग कैसे था उस समय, वो अपन को बताना है। तो द किंग फॉर इंस्टेंट लेड ए लग्जरी लाइफ इन ए ग्रेट प्लेसेस व्हाइल फार्मर लिव्ड इन ए ऑर्डिनरी हाउस एंड फाउंड इट डिफिकल्ट टू मेक द बोथ एंड मीट। अगेन वेयर द किंग कीप्ट ए रिकॉर्ड ऑफ देयर बैटल कॉर्ट लेजियर एंड प्लेजियर द ऑर्डिनरी पीपुल लाइक द फार्मर डिड नॉट कीप ए रिकॉर्ड ऑफ वार दे डिड। यानी कि राजा महाराजाओं का जीवन बहुत ही आलीशान रहता था, आरामदायक रहता था, जबकि फार्मरों का ऐसा नहीं था। उनके हाउस भी डिफरेंट थे, राजाओं के बहुत अच्छे हाउस थे, फार्मर के नहीं। इसके अलावा राजा लोग अपना रिकॉर्ड रखते थे, जबकि किसान लोग ऐसा नहीं करते थे। नेक्स्ट है गिव रीजन, कारण बताना अपन को। तो फर्स्ट है इसमें, हिस्ट्री इज नॉट कंसिडर्ड ए मेयर रिकॉर्ड ऑफ किंग एंड क्वीन। यानी कि इतिहास को केवल राजा और रानियों का इतिहास ही नहीं कह सकते कि उनके बारे में ही जानकारी देते हैं। हिस्ट्री इज नॉट जस्ट ए रिकॉर्ड ऑफ किंग एंड क्वीन बिकॉज इट कंप्रेस द स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ ऑल एजेस। यानी कि हिस्ट्री को केवल राजा महाराजाओं का पढ़ाई नहीं कह सकते अपन, क्योंकि उसमें तो कल्चर, उस समय के सिविलाइजेशन के बारे में, मानव के विकास के बारे में पता चलता है। सेकेंड है, इंडिया हैज पैसेस मैनी इवेशन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट से ही ज्यादातर अपने देश में आक्रमण क्यों हुए, क्योंकि इंडिया वॉज एवेडेड अगेन एंड अगेन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न साइड सिंपली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सो मेनी लो रैंक पासेस सच ए द खैबर, द कॉर्नल, द गोमल, त्रिची एंड द बोलन इन द नॉर्थ वेस्ट। अपने नॉर्थ वेस्ट में जगह जगह क्या दर थे जहां से ये आक्रमणकारी आराम से आ सकते थे। थर्ड है इसमें, वी एड सिरसा विथ सम डेटेस। सिरसा का यूज क्यों करते हैं अपन हिस्ट्री में, वी एड सिरसा विथ सम डेट बिकॉज डेट सच ए डेट इज ए नॉट ऑलवेज एग्जैक्ट बट क्वाइट क्लोज टू टू डेट। यानी कि सिरसा का मतलब होता है कि अपन अनुमानित दिनांक लिखते हैं, फिक्स नहीं मालूम होता है। तो फोर्थ, वी से दैट इंडियन सिविलाइजेशन हैज स्प्रेड थ्रू आउट साउथ ईस्ट एशिया। द बोरवलिन टेम्पल ऑफ जावा इंडोनेशिया एंड अंगोरक्वाट विष्णु टेम्पल कंबोडिया एटलीस्ट टू द फेस दैट इंडियन सिविलाइजेशन स्प्रेड थ्रू आउट साउथ ईस्ट एशिया। यानी कि हमें इन दोनों जगह के मंदिरों से पता चलता है कि भारत की सभ्यता और संस्कृति विदेशों में भी थी। चलिए अब अपन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। फर्स्ट है इसमें, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज, इन दोनों में क्या अंतर है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होता है और लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कंप्राइज इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट, वेरियस लिटरेरी सोर्सेज कंपेयर मैन्युस्क्रिप्ट, सेकुलर एंड रिलीजियस बुक्स, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ किंग एंड रूलर एंड ट्रेवल्स अकाउंट। तो यानी कि दोनों में क्या अंतर होता है कि जो आर्कियोलॉजिकल होते हैं वो हमारे को मिलते हैं खुदाई में, सिक्के वगैरह या कोई मतलब लिखी हुई जो चीज़ें होती हैं, लेकिन जो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं ये यानी कि लिखित में कोई बुक होती है जो
किसी के बारे में भी हो सकती है, राजा महाराजाओं के बारे में या खुद की जीवनी के बारे में या धार्मिक। सेकेंड है इसमें मैनुस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। द हैंड राइटिंग अकाउंट ऑफ द कॉन्टेम्पोरेरी इवेंट्स दैट हेल्प अस टू नाउ अवर पास्ट आर कॉल्ड मैनुस्क्रिप्ट। इंस्क्रिप्शन इंग्रेव्ड ऑन स्टोन, कॉपर, प्लेट प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ एंशिएंट रूलर। तो दोनों में क्या अंतर होता है कि जो हाथ से लिखी हुई होती है इवेंट्स वगैरह के बारे में जानकारी, उसको बोलते हैं अपन मैनुस्क्रिप्ट। और इंस्क्रिप्शन होता है कि जो मतलब भी केवल स्टोन, कॉपर ऐसी पर लिखा हुआ जो मिलता है हमारे को, उसको कहते हैं अपन, जिसके बारे में प्राचीन शास्त्रों के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहीं पर आपके क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। आशा आपको वीडियो उपयोगी लगा होगा। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो।